नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात ड्रैगन की। विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ने वाला ड्रैगन दिन ब दिन दुनिया के सामने नई चुनौतियां पेश करता जा रहा है। चाहे बात एलएसी पर उसकी हरकतों की हो या जिक्र साउथ चाइना सी और ताइवान को लेकर उसकी नीतियों का हो, हर बार उसने अपनी आक्रमणकारी सोच से ये साबित कर दिया कि वो सुधरने वाला कतई नहीं है। ऐसे में तृतीय विश्व युद्ध की आशंकाएं गहराने लगी हैं और ये आशंकाएं उस वक्त और भी ज्यादा पुख्ता हो गई जब CSIS की ओर से जारी की गई तस्वीरों ने चाइना की एक और नई करतूत से पर्दा उठा दिया है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। CSIS की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों ने चाइना की पोल खोल कर रखती है। तस्वीरें बताती हैं कि चाइना का नया एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द लॉन्च होने वाला है। इसे बीजिंग की अमेरिका पर हावी होने वाली योजना के तहत लॉन्च किया जाएगा। इन तस्वीरों को सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS द्वारा जारी किया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि शंघाई स्थित शिपयार्ड में टाइप 003 कैरियर को लेकर चाइना तेजी से काम कर रहा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि चीन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक विध्वंसक जहाज होगा। हालांकि अभी इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि 330 मीटर लंबी पतवार पर काम पूरा किया जा चुका है। फ्लाइट डेक का काम पूरा हो चुका है। कंट्रोल टावर को भी फिट किया जा चुका है। इस बात की भी जानकारी दी गई है कि एयरक्राफ्ट कैरियर में 3 विशाल कैटापोल्ट भी हैं जिनके जरिए विमान हवा में लॉन्च हो सकेंगे। तस्वीरों से साफ है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर हथियारों, रडार और लिफ्ट जैसे कुछ सामानों का कार्य पूरा हो चुका है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 6 महीनों के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर 003 लॉन्च हो सकता है। सच तो यह है कि टाइप 003 चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले के कैरियर लियोनिंग टाइप 001 और शेंडोंग टाइप 002 थे। शीत युद्ध के दौर में सोवियत यूनियन द्वारा इनका निर्माण किया गया था और चीन ने भी इनका इस्तेमाल अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप टीमों को ट्रेन करने के लिए किया था। खबर है कि टाइप 003 के आंतरिक कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की डेडलाइन भी जारी की गई है। टाइप 003 पर कैटापोल्ट को शामिल करना PLA की नेवी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अधिकांश कैटावोर सिस्टम भाप से चलने वाले हैं, लेकिन चीन ने अमेरिकी नौसेना के नए गेराल्ड R4 श्रेणी के वाहक के लिए विकसित किए गए एक विद्युत चुंबकीय लॉन्च सिस्टम जैसा सिस्टम विकसित किया है, जो बताता है कि चीन अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करने वाला है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।